वंस अगेन वेलकम टू योर ओन चैनल लक्ष्मी आयुर्वेद। लक्ष्मी आयुर्वेद में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड टुडेज टॉप इज गिलोय नीम जूस तुलसी। आज मैं इस वीडियो में आपको गिलोय नीम जूस तुलसी के बारे में बताने वाली हूँ। इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसे हमें यूज़ करना कैसे चाहिए, कितनी मात्रा में चाहिए और ये आपको क्या क्या बेनिफिट्स दे सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको गिलोय नीम जूस तुलसी के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन दूंगी। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो दैट इज़ कॉल्ड गिलोय नीम जूस तुलसी। जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, गिलोय नीम जूस तुलसी ये तीन चीज़ों का मिश्रण है। गिलोय से तो हम कुछ दिनों से अभी की जो हालात है बहुत ज़्यादा वाकिफ़ है, और इसमें जो है तीन चीज़ों को मिला के बनाया गया है। गिलोय, नीम और तुलसी तीनों चीज़ों के मिश्रण से इसे तैयार किया गया है, जो एक जूस है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अभी जो दौर चल रहा है इसमें हमारी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, और प्रत्येक अलग अलग चीज़ को लेके स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से जो है तीनों के मिश्रण से इसे तैयार किया गया है। एक ऐसा इम्यूनिटी बूस्टर है ये, जो हमारे इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो आप तो जानते ही हैं ऑलरेडी गिलोय जो है वो अकेले ही जो है हमारे इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रांग बनाती है। नीम हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना गया है, ये पूरे ब्लड प्यूरिफायर के रूप में काम करती है। और तुलसी, तुलसी हमें वायरस, बैक्टीरिया, फंगल इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन हर चीज़ से बचाती है। तो ये तीनों के मिश्रण को जब हम मिलाते हैं तो एक ज़बरदस्त सिरप काढ़ा बनता है, वो है गिलोय नीम जूस तुलसी। तो आइए देख लेते हैं इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो ये गुड फॉर इम्यूनिटी है, यानी कि ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छी एक मेडिसिन है, एक जो है सिरप है। और गुड फॉर ये रेस्पिरेटरी हेल्थ है, यानी कि जिनको सांस में तकलीफ़ है, या तो थोड़ी भी अगर आपको ऑक्सीजन की कमी होती है और सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। गुड फॉर स्किन हेल्थ, ये हमारे स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त एक अच्छी टॉनिक है, क्योंकि इसमें नीम है और तुलसी है जो हमारे स्किन को बहुत अच्छा करती है, और ब्लड को ये प्यूरीफाई करती है। और अगर आपका ब्लड प्यूरीफाई होता है तो आपका स्किन ऑटोमेटिक ग्लो करता है। तो ये हमारे लिए स्किन के लिए एक बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। गुड फॉर लीवर हेल्थ, ये हमारे लीवर के लिए भी एक बहुत अच्छी औषधि है, क्योंकि ये हमारे लीवर फंक्शनिंग को ठीक करती है, बढ़े लीवर को कम करती है और लीवर के सारे विकार को ये सही करती है। और सबसे बड़ी बात, इसे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी है, इसे एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी आप ले सकते हैं। ये हमारे शरीर में जितने दुष्प्रभाव है उसे दूर करती है। एंटीऑक्सीडेंट का काम होता है हमारे शरीर में रसायन, दुष्प्रभाव, बैक्टीरिया, फंगस जो भी है उन्हें दूर करना और उन्हें ठीक करना। तो ये जो है एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट भी है, जो हमारे शरीर को तरोताज़ा रखने में मदद करती है और आपको जो है अंदर से स्वस्थ बनाती है। और भी इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि लीवर में अगर आपको किसी तरह की भी परेशानी है, लीवर में कमी है, यानी कि अगर आपको भूख कम लगती है तो ये भूख को बढ़ाने में भी बहुत मदद करती है। अगर आपके पेट में जलन रहता है तो इसके सेवन से वो भी ठीक हो जाती है। अगर आपको ब्लड की कमी है, अगर इनसफिशियंसी ऑफ ब्लड है, तो फिर ये ब्लड की कमी को भी दूर करती है। अगर इसका सेवन आप निरंतर करते हैं तो आपकी ब्लड की कमी भी दूर होती है। शरीर अगर आपका हमेशा गर्म रहता है, बहुत लोगों का शरीर बिना बुखार के भी अक्सर गर्म रहता है, तो वो उस प्रॉब्लम में भी जो है ये टेम्परेचर को नॉर्मल बनाती है और ठीक करती है। हेमोग्लोबिन व जो है और रेड ब्लड सेल्स को जो है ये प्यूरीफाई करती है और ठीक करती है। हेमोग्लोबिन अगर कम है, रेड ब्लड सेल्स में कमी है, तो उसे भी ये पूरा करती है। और जो है शरीर में हमारे जो भी टॉक्सिन्स आ जाते हैं और जो भी बैक्टीरिया, फंगी आ जाते हैं, उन सबको भी ये दूर करती है। और जो है ये अगर किसी को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, एनी टाइम आप खुश्क महसूस करते हैं और आपके तलवों में जलन होता है, तो भी ये जो है उसे दूर करती है। एसिडिटी के लिए भी जो है ये ज़बरदस्त एक मेडिसिन है। एसिडिटी गैस के रोगों से भी ये लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। अगर आपको एसिडिटी का बहुत ज़्यादा शिकायत है तो इस सिरप को आप ले सकते हैं, जिससे कि आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएगी। शरीर में बार बार
अगर आपको डिजीज़ अटैक कर देती है, बीमारियां होती है, तो उसमें भी जो है ये बहुत ज़्यादा सुधार लाती है। और तीन चीज़ों की वजह से, जैसे आयुर्वेद में माना गया है कि कफ पित्त व वात की वजह से जो है संतुलन बिगड़ता है, तो वो बिगड़े हुए संतुलन को भी ठीक करती है। तो ये सब थे इसके फ़ायदे। और भी एक दो फ़ायदे हैं, जैसे कि पीलिया, धातु विकार, गले में संक्रमण, एलर्जी, इन सब चीज़ों में भी ये जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। और सबसे बड़ी बात, ये आपके इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रांग बनाती है। चेंजिंग सीजन्स में जो है बेवजह हमें जो बीमारियां अटैक करती है, उससे ये हमें दूर रखती है। मैं तो यही सजेस्ट करूंगी, आज के इस दौर में हर किसी को इस गिलोय नीम जूस तुलसी का सेवन डेली करना चाहिए, और अपने बच्चों को भी देना चाहिए, बुज़ुर्गों को देना चाहिए अपने घर में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और बहुत अच्छा है आपके शरीर के लिए। इसे जो है लेने का तरीका, सुबह शाम आप एक एक ढक्कन ले, और अगर बच्चे ले रहे हैं तो हाफ हाफ ढक्कन आप ले सकते हैं। और इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ों से इसे बनाया गया है आपके फ़ायदे के लिए। तो ये जो है, और इसकी मैं प्राइस की बात कर लेती हूँ, इसकी जो प्राइस है ये देखिए, ये डाबर कंपनी की है, और इसकी जो प्राइस है MRP वो 250 रुपीज़ की है, यानी कि 250 रुपये इसकी MRP है 1 लीटर की। तो ये 250 रुपये में आपको कंप्लीट ट्रीटमेंट मिल रही है स्वस्थ रहने का, जो बहुत अच्छा सिरप है। आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करें। होप मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जिन लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो वो लाइक करना ना भूलें। जिन फ्रेंड्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी मैं बहुत सारे रिव्यू मेडिसिंस की जो है रिव्यू, आयुर्वेदिक मेडिसिंस की रिव्यू आपके लिए लाने वाली हूँ, जो बहुत इन्फॉर्मेटिव होंगी आपके लिए और बहुत फ़ायदेमंद होगी। तो आप जानकार बने रहें, और बगल में ही बेल आइकन है उसे भी दबा लें, ताकि न्यू नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सके। टिल देन टेक केयर, बाय।